उत्तर प्रदेश नगर निगम के चुनाव नतीजे आज शाम तक घोषित कर दिए जाएंगे। निकाय चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी। वहीं राजधानी लखनऊ में लखनऊ नगर निगम के 110 वार्डों की मतगणना रमाबाई रैली स्थल पर जारी है। बता दें कि नगर निगम लखनऊ में महापौर पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी सुषमा खरकवाल ने जीत हासिल की है। साथ ही सबसे ज्यादा बीजेपी ने सीट हासिल की है। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी सपा कांग्रेस और बसपा के पार्षद जीत का सर्टिफिकेट लेकर खुशी से झूमते हुए अपने समर्थकों के साथ बाहर निकले और सभी ने अपने वार्ड में विकास करने और स्थानीय समस्याओं से छुटकारा दिलाने की बात कही। इसके अलावा जीते प्रत्याशियों ने जनता का आभार भी जताया। बीजेपी ने भरोसा किया मेरे ऊपर और जितने भी मुसलमान को उन्होंने टिकट दिया था उसमें से लखनऊ में जो भी है सिर्फ हम ही जीते हैं और पूरी कोशिश करेंगे। जैसे आप देखिएगा कि जो हमारी मेयर की प्रत्याशी हैं हमारे एरिया से उनको भी भरपूर वोट मिला है। किसी ने ये नहीं देखा कि उनको कमल को देना है या साइकिल को देना है, सबने जो है भरपूर वोट दिया है। जनता को बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो उन्होंने भरोसा मेरे ऊपर जताया है उसको पूरा करने की हम पूरी भरपूर कोशिश करेंगे और उनकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। वार्ड में देखिए सबसे मुख्य समस्या देखिए कूड़े की है और जो नीचे एरिए हैं थोड़े जैसे रईस नगर साइड है उधर जलभराव हो जाता है, रईस मंजिल में बारिश में जलभराव हो जाता है, उसको समस्या को दूर करना है और जिस उस पर काम शुरू हो चुका है। मैं जनता का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिस तरह उन्होंने प्यार और सम्मान मुझे दिया। पिछले 10 सालों से वो प्यार और सम्मान मेरे वालिद साहब को मिल रहा था और इस बार जनता ने मुझ पर भरोसा किया है, तो जिस तरह मेरे वालिद साहब ने 10 सालों से जनता की सेवा की है इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं भी उसी तरीके से जनता की सेवा करूँगी और मेरा वक्त भी जनता के लिए समर्पित रहेगा। 75 वोट्स। इससे पहले मेरी मदर थी जो निर्दलीय खड़ी हुई थी और 900 वोट से जीती थी। हमारे वार्ड में जो भी समस्या है उनका समाधान किया जाएगा और प्राथमिकता ये रहेगी कि जो नए वार्ड परिसीमन हो के हमारे क्षेत्र में आए हैं जो काफ़ी पिछड़े हुए थे उन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। मैं जीत जनता को समर्पित करती हूँ और जनता ने पूर्ण रूप से मुझे विश्वास में लिया और उन्होंने मुझे वोट दिया। मैं जनता के साथ हूँ और जनता के साथ रहूँगी। हाँ कुछ हैं जो एक विद्यालय नहीं है मेरे स्कूल मेरे वार्ड में विद्यालय है और चिकित्सालय नहीं है क्योंकि मेरे वार्ड में बहुत असहाय जनता है, बहुत गरीब है, तो इसलिए मैं ये 2 मुद्दे जरूर उनके साथ करूँगी। अभी बाकी है, काफ़ी कार्य मुझे बाकी है करना है। 431 बस ये जीत जनता की है। जनता के बीच 5 साल जो काम किया ये उसका परिणाम है और मैं भी हर जनसेवक से यही कहना चाहूँगा कि जनता के बीच जब तक काम लेंगे तब तक वो जीत नहीं मिलेगी और जनता के बीच जाकर काम करें जनता उसी तरह आपको प्यार देगी और वापस आपको वार्ड में स्थापित करेगी। नहीं, सेकेंड टाइम है ये हमारा, फर्स्ट टाइम 5 साल जनता की सेवा की उसका परिणाम है। पहली बार कांग्रेस से था, इस बार बहुजन समाज पार्टी से जीत हासिल करेगी। जनता के भरोसे पे उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, उनके विश्वास और भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। तीन बार इससे पहले भी रहा हूँ, ये 4th टर्म है मेरा। तीन बार रहने के बाद जनता ने भरोसा काम आपने अच्छा किया है, पार्टी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पार्टी अब कांग्रेस ही का ही है, विपक्ष के मेन भूमिका इस टाइम पे उत्तर प्रदेश और देश में सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी निभा रही है और यह कर्नाटक से जो चली है वो पूरे देश में बदलाव परिवर्तन लेके आएगी। अपना पर्चे बताइए। राजेश कुमार, वार्ड नंबर 12, खरगापुर सरसवा। 786 वोट से। जी क्या कहना चाहेंगे? अरे जनता ने हमारे साथ बहुत मेहनत और संघर्ष, हमें अच्छा प्रत्याशी समझ के हमें वोट दिया है, हमें जिताया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। और उसके बाद में जो हमारी क्षेत्र की जनता है जितना भी हो सकेगा हमसे अपने क्षेत्र की जनता का सारा काम करेंगे, नाली खड़ंजा पानी जो भी समस्या होगी वो सब मैं पूरी करूँगा।